थर्ड एग्जांपल देखते हैं, 3m² + 2m - 7 = 0। फर्स्टली यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसको हमें कंपेयर करना है, जो जनरल फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके साथ। तो अभी यहाँ पे कंपेयर करने के बाद हमें ए, बी और सी की वैल्यू मिल जाएंगी। देयरफॉर ए इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है। बी की वैल्यू मिल गई हमें, यहाँ पे एम का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट बी है, तो हमें बी की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। और सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें, -7, तो सी इक्वल टू -7। अभी ये कंपैरिजन करने के बाद हमें डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेल क्या होता है, तो b² - 4ac, ये होता है डेल की वैल्यू, इक्वल टू b² यानी क्या, 2 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -7, इक्वल टू 2 का स्क्वायर बन गया 4। यहाँ पे निगेटिव साइन, यहाँ पे भी निगेटिव साइन है, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84। दोनों की हमने एडिशन की तो हमें यहाँ पे डेल की वैल्यू क्या मिल गई, 88 मिल गई। अभी इसके बाद हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, एम इक्वल टू -b + √ b² - 4ac / 2a। ये जो फॉर्मूला है ये बाय हार्ट लर्न कर लेना है, क्योंकि यदि ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं है तो ये एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं कर सकते। इक्वल टू, अभी वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस बी की वैल्यू क्या है, 2 + √ b² - 4ac की वैल्यू है 88 / 2 × a की वैल्यू है 3। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। अभी इसको सॉल्व करना है, -2 + √ 88 / 2 = 6। अभी ये जो 88 है इसको हम किस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इस प्रकार से भी हम राइट डाउन कर सकते हैं, -2 + √ 88 को किस प्रकार से राइट डाउन करना है, 4 × 22। इस प्रकार से 22 × 4 = 88 भी राइट डाउन कर सकते हैं, / 6। अभी यहाँ पे स्क्वेयर रूट में 4 नंबर है, यदि हम इसको बाहर निकालेंगे यानी इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो वो 2 बन जाएगा, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, इक्वल टू -2। इसके बाद यहाँ पे स्टेप राइट डाउन करेंगे, -2 + -, अभी 4 को हमने बाहर निकाल दिया तो ये बन गया 2 और स्क्वेयर रूट में बच गया 22 / 6। इस प्रकार से हमने राइट डाउन कर दिया। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 जो नंबर है इसको कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2 को कॉमन निकाल दिया तो ब्रैकेट में बच गया यहाँ पे -1 बच गया, +-2 तो निकल गया, स्क्वेयर रूट में 22 बच गया / 6। इस प्रकार से अभी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। इस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या बच गया यहाँ पे, -1 + √ 22 / 3, ये टर्म बच गई। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस है तो हम 2 रूट्स राइट डाउन कर सकते हैं एम के, तो एम इक्वल टू -1 + √ 22 / 3 और एम इक्वल टू -1 - √ 22 / 3, यानी 2 रूट्स हमें यहाँ पे एम के मिल गई, तो राइट डाउन करेंगे, देयरफॉर -1 + √ 22 / 3 और -1 - √ 22 / 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।